नमस्कार दोस्तों, पिकेम स्त्री व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक नया काम की स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग करने से पहले हमने क्या करना चाहिए वो आज आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमने इसका राइट एंगल चेक करना होता है, यानी समकोण 90 डिग्री, जिसको गुणिया बोलते हैं, गुणिया चेक करें। गुणिया चेक करने का आपको बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए और किस प्रकार से मकान का गुणिया निकालना चाहिए, हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो। एक बार देखो भाई किस प्रकार का रकम। दोस्तों मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, ये मकान इस प्रकार से था। सबसे पहले तो वो मकान बन रहा भाई, जैसे कि भाई लेबर वाला लगा हुआ है, तो उसके साथ हमने ये देखनी है, उसके साथ हमारी 4 इंची दीवार जाएगी। उस दीवार को हम हला नहीं सकते, यानी आगे पीछे नहीं कर सकते, वहीं पे रहनी है। तो उसके हिसाब से हम गुणिया चेक करेंगे। इसके जस्ट सामने जैसे देख पा रहे हैं, ये एक दीवार ये थी, हम इसको भी पुरानी नहीं, इसको भी नहीं हिला सकते। हाँ, हम गुणिया करने के लिए इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आंगन में जो है, आंगन में रेंच निकल जाओ, अपना मकान बिल्कुल गुणिया बन जाओ। तो हमने क्या किया, वहाँ से पैमाइश ले ली, वहाँ पे निशान लगा ली, और एक दीवार से यहाँ पैमाइश ले ली। एक बार तो नॉर्मली हमने चेक किया, इसको चेक में हमें सही नहीं मिला, तो सही नहीं मिला तो हमने ये साइड वाली दीवार थी जैसे कि दिखे आपने, ये सूत में सीधा इसको सूत बांध लिया सफाई करके। और इसके लिए हमने सबसे पहले तो 3-4 वाला फार्मूला चेक किया, एक साइड में सबसे पहले तो हमने दोस्तों ये हमारा 3 पे हमने ले लिया, ये एक ऐसा हमारा 3 का होगा, और दूसरा ऐसा यानी ये जो सूत बांध रखा है जो 4 का होगा, ये बिल्कुल सूत के बराबर। तो कमेंट में बताओ दोस्तों ये हिस्सा कितना होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये 5 फुट का होना चाहिए। आ जाओ भाई अब आगे दिखा दे, देख सूत पकड़ चला गया, ये देख पूरा कॉर्नर इसका ओड़ा सूत का टच हो रहा है। इधर आगे दिखा, पूरा 5 के ऊपर है, ठीक है। ये देखो यानी एक ऐसा 3 का, एक 4, एक 5 का। उसके बाद भी हम इसको सही नहीं मानते, ये हमारी टाइल है, ये देखो ये बिल्कुल गुणिया में होती है। अगर गुणिया है तो सही है, गुणिया रखने में दिक्कत आ जाती है, और ये टाइल हमारी अच्छी तरह रुक डट जाती है। करें ये चेक किया और इसको इधर से चेक किया, ये बिल्कुल समानांतर होनी चाहिए, इसको ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए इसका। ये देखो ये ऐसा बिल्कुल सही है, और ये ऐसा भी बिल्कुल सही है, ये थोड़ा डाउन जा रहा है, ये देखो। तो फिर भी हमने संतुष्टि नहीं करी, तो हमने क्या किया, एक रूम बना लिया, लोकल रूम, प्रदीप पकड़ लिया, लोकल रूम यानी 10x10 का लगा। एक बार नज़दीक आके दिखा भाई, आराम से दिखा दे, कोई बात को नहीं, ये 10 फुट पे होगी, तो वहाँ से आराम से कर दे, कॉर्नर से 10 फुट का निशान लगा दिया, ठीक है। यानी 10x नज़दीक आके दिखाना है, अपने फिता दिखाना है, मेरा पीछे का मुंह नहीं दिखाना। अब इसका हम कॉर्नर चेक करेंगे, अगर हमारा कॉर्नर सही है तो इसको कोई भी अनफिट नहीं करेगा, बिल्कुल गुणिया में पकड़िए भाई कॉर्नर। इस साइड से और पकड़ भाई, साइड मार और आगे दिखा दे एक बार। ये देखो है पूरा 170 पे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कॉर्नर चेक कर लिया और हमारा गुणिया सही। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में बताना, अगर अच्छी लगी तो भाई शेयर जरूर कर दियो।